गुड मॉर्निंग बच्चों, बायोलॉजी डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के एग्रीकल्चर का अगला कीट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गेहूं का तना छेदक, वीट स्टेम बोरर, गेहूं का तना छेदक। यह जो कीट होता है, इसकी विशेषता होती है कि यह गेहूं, मक्का, धान आदि जो पौधे हैं उनके तनों में छेद करके उनके भीतरी भाग जो है तने के उन्हें नष्ट करता है, उन्हें खाकर नष्ट करता है और इस तरह खड़ी फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। क्या नाम है इसका? गेहूं का तना छेदक। इसे सामान्यतः पिंक कैटरपिलर भी कहते हैं। इसका एक और साधारण नाम है पिंक कैटरपिलर, गुलाबी कैटरपिलर, गुलाबी सुंडी, हिंदी में सुंडी भी लिखा होगा बुक्स में, गुलाबी सुंडी या पिंक कैटरपिलर। इसका वैज्ञानिक नाम है सिजेमिया इन्फेरेंस। इसका वैज्ञानिक नाम सिजेमिया इन्फेरेंस, सिजेमिया इन्फेरेंस। बार बार आप इसे याद कीजिए, याद हो जाएगा। सिजेमिया इन्फेरेंस, सिजेमिया इन्फेरेंस इसका वैज्ञानिक नाम है और इसका गण है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। और अब तक हमने लेपिडोप्टेरा के बहुत कीट पढ़े हैं। लेपिडोप्टेरा में कौन से कीट आते हैं? इसमें तितली और शलभ या मॉथ जिन्हें कहते हैं, ये लेपिडोप्टेरा गण में आते हैं। अभी जो हम गेहूं का जो तना छेदक पढ़ रहे हैं, यह भी एक मॉथ या शलभ है, ठीक है? शलभ या शलथ ये होता है, ठीक है? कौन सा गण है? लेपिडोप्टेरा। इसका कुल है नॉक्टुडी। कुल का क्या नाम है? नॉक्टुडी, नॉक्टुडी, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिजेमिया इन्फेरेंस, गण है लेपिडोप्टेरा, कुल है नॉक्टुडी। साधारणतः इसे पिंक कैटरपिलर भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसके पोषक पौधे, कौन कौन से पौधों से यह पोषण प्राप्त करता है, जिन्हें यह ज़्यादा प्रभावित करता है, वो पौधे कौन कौन से हैं? तो ये है धान, धान यानी चावल, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना, रागी आदि पौधों को ये बहुत अधिक नुकसान करता है। यह जो गेहूं का तना छेदक है, ये अधिकांशतः उत्तरी भारत में अधिक प्रभावी है। उत्तरी भारत में इसका ज़्यादा प्रकोप होता है। उत्तरी भारत में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसका अधिक प्रकोप होता है, ठीक है? तो आप सिर्फ ऐसे याद कर लिए, इसका प्रकोप अधिक कौन से क्षेत्रों में है, भारत के कौन से अधिक क्षेत्रों में है, कौन से क्षेत्रों में है, तो वो है उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में आप ऊपर के जितने भी राज्य हैं भारत के नक्शे में, वो याद कर सकते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में इसका अधिक प्रकोप है, ठीक है? इसकी जो क्षति और महत्व की जब बात करें कि ये क्या नुकसान पहुंचाता है फसलों को, तो इसका जो लार्वा होता है, इसका जो कैटरपिलर होता है, वो फसलों के लिए अधिक घातक होता है, अधिक नुकसानदायक होता है। इसका लार्वा तने, जो तना खड़ा होता है, जैसे गेहूं का तना है, उस तने के खास करके आगे के जो टिप भाग है, उस तने का जो ऊपरी शीर्ष भाग है, वहाँ एक छेद बनाता है और उस छेद में से अपने शरीर को अंदर घुसाते हुए धीरे धीरे तने के भागों को, आंतरिक भागों को, जाइलम, फ्लोएम, पिथ वाले भागों को ये खाता हुआ उसे नष्ट करता जाता है। और शीर्ष भाग जब नष्ट होने लगता है, तो चूंकि अंदर का जो ऊपरी भाग है वो इस लार्वा ने खा लिया होता है, तो वहाँ का भाग जो है सूखने लगता है और सूख कर मृत भाग नजर आता है। और वो जो मृत भाग है वो इस तरह कुछ हार्ट की शेप बनाता है, जैसे हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, इस तरह की शेप बनाता है। तो इसलिए इस भाग को डेड हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड हार्ट कहते हैं। डेड यानी मरा हुआ, हार्ट हृदय, ठीक है? डेड हार्ट, मृत गोभ लिखा होगा बुक्स में, मृत गोभ कहलाता है, ठीक है? तो डेड हार्ट बनाने का ही इसकी खास विशेषता है। ये क्या बनाता है? डेड हार्ट बनाता है। डेड हार्ट ज़्यादातर तनों के या शाखाओं के सिरे, जो अंतिम सिरे हैं, सूखकर हृदय जैसी संरचना बनाते हैं, उसी को डेड हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड हार्ट कहते हैं।
ये जो गेहूं का जो तना छेदक है सिजेमिया इन्फेरेंस जो है वो मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय होता है। कब सक्रिय रहता है ये? मार्च से नवंबर वहाँ तक बहुत अधिक सक्रिय होता है। इसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में यह शीत निष्क्रियता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यह शीत निष्क्रियता, यानी कि शीत ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में यह है रहता है, जिसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, मुख्य इसका जो क्षतिकारक है वो इसका लार्वा ही है, यानी कि लार्वा ही इसका अधिक नुकसान पहुंचाता है फसलों को। ठीक है, तो हमने इसके साधारण लक्षण, हमने साधारण बातें पढ़ी। इसका वैज्ञानिक नाम सिजेमिया इन्फेरेंस, गण है इसका लेपिडोप्टेरा, कुल है इसका नॉक्टिडी, साधारणतः इसे पिंक कैटरपिलर भी कहते हैं। इसके पोषक पौधे धान, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना, रागी है। इसकी जो क्षति है वो मार्च से नवंबर माह में बहुत ज़्यादा ये क्षतिकारक है, और इसका लार्वा मुख्य क्षतिकारक होता है, और डेड हार्ट ये बनाता है, तने के जो आखिरी किनारे हैं, तनों के जो शीर्ष हैं उन्हें जल्दी नष्ट करता है, वो सूख कर डेड हार्ट बनाते हैं। आइए अब इसका जीवन चक्र जानते हैं। जीवन चक्र जानने से पहले आपको इसके वयस्क कैसे नज़र आते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, उसको पहचान आपको आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपके सामने एक चित्र आया होगा जो इसके वयस्क का है। ठीक है, देखने से साधारण लक्षणों से ही इसका पता चल जाता है कि पहली बात तो ये क्या है, एक मौत है या सलभ, क्या है ये? एक सलभ या सलत है। ठीक है, मौत है एक पहली बात तो, क्योंकि इसका उदर भाग अधिक बड़ा है, पंखों का विस्तार कम होता है। दूसरी खास बात, इसका रंग देखो साधारणतः क्या है, सफ़ेद ही है, लेकिन अग्र पंख जो होते हैं इसके, अग्र एक जोड़ी जो पंख है वो भूरे रंग के नज़र आ रहे हैं। कैसे? हल्के भूरे रंग के नज़र आते हैं, और इसके जो पश्च जोड़ी पंख जो हैं वो सफ़ेद रंग के ही होते हैं। इसके अग्र जोड़ी पंखों पर अधिकतर जो ऊपरी जो किनारे होते हैं वो थोड़े गहरे रंग के होते हैं, कुछ में काले रंग के या गहरे भूरे रंग के ये होते हैं। ठीक है, तो अगर पंख पर एक पट्टी नज़र आएगी काले या गहरे भूरे रंग की। इनका जो आकार है वो 10 से 12 mm होता है, इनकी जो लंबाई है वो 10 से 12 मिलीमीटर होती है, छोटे आकार के ये इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप इसे आसानी से पहचान सकते हो। गेहूं की फसल में या जो ज्वार की फसल में आप इन्हें उड़ते हुए देखोगे, छोटे आकार के होते हैं, बहुत ये मिल जाएंगे आराम से। इन लक्षणों द्वारा आप उसे आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद जो अब आपके पास जो ये चित्र खुला है, यह है इसके लार्वा का है। किसका है? इसका लार्वा। देखो इसका लार्वा किस तरह का नज़र आ रहा है, भूरे या गुलाबी रंग का नज़र आता है, भूरे से लेकर गुलाबी रंग के ये इसके लार्वा या कैटरपिलर होते हैं। किस रंग के होते हैं? भूरे या गुलाबी रंग के इसके लार्वा होते हैं। दूसरी खास बात देखो इसकी क्या है, कि इसका जो शीर्ष है, इसका जो सिर हेड पार्ट है वो गहरे रंग का, काले रंग का होता है। इसका हेड पार्ट कैसा होता है, इसका शीर्ष, इसका हेड कैसा होता है? काले रंग का होता है। कैसा? काले रंग का। इसके सिर, इसके पूरे शरीर पर भी छोटे छोटे कई सारे गहरे काले या भूरे रंग के स्पॉट या धब्बे पाए जाते हैं, गहरे धब्बे इस पर पाए जाते हैं। इसका सिर काले रंग का, भूरा गुलाबी रंग का इसका शरीर होता है, और इसकी लंबाई भी इसके वयस्क से तो दुगनी होती है, लगभग 25 mm लंबाई कैटरपिलर की। एक पूर्ण विकसित इनका जो कैटरपिलर होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर लंबा होता है। आइए जानते हैं अब इसका जीवन चक्र। तो इसका जो जीवन चक्र में जो वयस्क जो होता है, जो वयस्क मादाएँ हैं वो पौधे के पत्तियों के अधिकांश भागों पर अंडे देती है। ठीक है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ये अदर भाग में ही दे या किनारों पर ही, ये पत्तियों के लगभग सभी भागों पर ये अंडे देती है। और एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडे देती है, एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडे देती है। इनके जो अंडे होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के पीले रंग के इनके अंडे होते हैं। ठीक है, फिर जो अंडे हैं वो 7 से 10 दिन के भीतर परिपक्व अंडे जो है वो उनका हैचिंग पीरियड पूरा हो जाता है, और लार्वा या कैटरपिलर में
परिवर्तित हो जाता है, लार्वा या कैटरपिलर में परिवर्तित होता है। लार्वा जो है वो जब पूर्ण विकसित हो जाता है, लगभग 25 mm लंबा हो जाता है, तो इस दौरान यह है क्या करता है, पौधों के जो गेहूं, जो ज्वार, धान आदि हैं उनके तनों के भीतर रहता हुआ, उसके भागों से, उसके तने के भीतरी भागों से पोषण प्राप्त करता रहता है और अपने आकार में वृद्धि करता रहता है। लगभग इसमें इसको 20 से 30 दिन का समय लगता है। लार्वा अवस्था इनकी लगभग 20 से 30 दिन की होती है। इसके बाद इनका जो लार्वा है वो प्यूपा अवस्था में बदलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि इससे पहले तक के हमने जो भी पढ़े उनमें ये देखा था कि लार्वा भूमि के भीतर जाकर प्यूपा अवस्था में बदलता है, लेकिन यहाँ जो तना छेदक होता है गेहूं का, उसका जो तना छेदक का लार्वा जो है उस तने के भीतर ही, जहाँ ये रह रहा है, जहाँ पोषण प्राप्त कर रहा है लार्वा, वहीं ये प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। लगभग 20 से 30 दिन बाद जिस गेहूं के भीतर यह छेद करके अंदर रह रहा है गेहूं के तने में, वहीं फिर ये प्यूपा अवस्था में बदलकर निष्क्रिय अवस्था में उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ये है इसका प्यूपा जो है वो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, तने के भीतर ही यह होता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 12 mm होती है। प्यूपा अवस्था जो है 7 से 12 दिन की होती है। प्यूपा अवस्था कितनी होती है, 7 से 12 दिन की इनकी प्यूपा अवस्था होती है, और इसके बाद में ये फिर से वयस्क अवस्था में बदल जाते हैं और वयस्क फिर से ये चक्र प्रारंभ कर देता है। एक वर्ष में यानी कि मार्च से लेकर नवंबर माह तक जो गेहूं का तना छेदक है वो 4 पीढ़ियाँ दर्शाता है। कितनी पीढ़ियाँ दर्शाता है, 4 पीढ़ियाँ दर्शाता है। 4 पीढ़ियाँ इसकी एक वर्ष में पूर्ण होती है। ठीक है, तो हमने इसका जीवन चक्र पढ़ा। वयस्क, वयस्क मादाएं अंडे देती है, पत्तियों के अधिकांश भागों पर अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं, जो 7 से 10 दिन के भीतर जो है उनका हैचिंग पीरियड पूरा हो जाता है और लार्वा उनसे बाहर निकलता है। लार्वा 20 से 30 दिन तक तने के भीतर छेद करके रहता है और वहाँ पोषण प्राप्त करता है और तने के भीतर ही प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। प्यूपा 7 से 10 दिन में फिर से वयस्क में बदल जाता है और इस तरह इनका जीवन चक्र जारी रहता है। एक वर्ष में इनकी कितनी पीढ़ी, 4 पीढ़ियाँ यह दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज का जो ये अपना टॉपिक गेहूं का तना छेदक ये समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।